हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई एक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये 5 से 7 मिनट में बन जाती है। और उसके साथ सर्व करने वाली हूँ मसाला पराठा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब उसमें साबुत लाल मिर्च और साबुत इलायची, लौंग और दालचीनी मैंने डाल दिया है। अब उसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने टमाटर डाल दिया है, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब मैंने 10 से 12 काजू लिया है, खरबूजे की बीज लिया है और एक तेज़पत्ता लिया है। अब सारे चीज़ों को मीडियम टू लो हीट पे 2 मिनट तक सोटे कर लेंगे। फिर उसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे। डाल के सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, और ढक देंगे 2 मिनट के लिए। जब टमाटर नरम हो जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने एक सॉपर में फ्रोजन मटर लिया है, तो ये 1/2 कप मटर है। तो मटर को बारीक सॉप कर लेंगे। बारीक सॉप करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने शिमला मिर्च लिया है, तो ये भी 1/2 कप है। शिमला मिर्च के साथ 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे और उसको भी बारीक सॉफ्ट कर लेंगे। जब शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए, 1/2 कप बीन्स लिया है तो उसको भी सॉफ्ट कर लूँगी। मेरी जो सॉपर है वो छोटी है, इसलिए मैंने अलग अलग सारे चीज़ों को सॉफ्ट कर लिया है। अब जो मैंने मसाला रेडी किया था टमाटर का, तो उसमें से जो साबुत गरम मसाला है तो उसको निकाल लेंगे, और 1-2 जो लाल मिर्च है तो मैंने वो भी निकाल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा भी मेरे घर में पसंद नहीं करते। आप सारे चीज़ों को मिक्सर जार में डाल देंगे और डाल के बारीक पीस लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल जब गर्म हो जाए, जो बारीक सॉफ्ट करके रखा था सब्ज़ी, तो मैंने बीन्स डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दिया है और जो मटर मैंने सॉफ्ट करके रखा था वो भी डाल देंगे। और सारे चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू लो हीट पे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर तो वो डाल देंगे, और डाल के एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, जो टमाटर का मसाला मैंने रेडी किया था तो वो डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्सर जार में मैं पानी डाल दूँगी 1 से 1.5 कप, तो पानी को डाल लेंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ा सा गाढ़ी बनती है, तो इसलिए आपको 1 से 1.5 कप आपको पानी डालनी है। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है बहुत गाढ़ी है तो नीचे लगने का चांस है, तो इसलिए सारे चीज़ों को एक बार मिक्स कर लूँगी। अब मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो पनीर को डाल दूँगी, और डालने के बाद सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो मैंने कसूरी मेथी लिया है, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद मिक्स कर लूँगी दोबारा। आखिर में थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी और कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दूँगी। अगर आपको चीनी नहीं डालनी है तो ये स्किप कर सकते हो। सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आखिर में घर की मलाई या फ्रेश क्रीम डाल दूँगी और डाल के गैस को ऑफ कर दूँगी। अब मैंने मसाला पराठा के लिए गेहूँ के आटे की रोटी बना लिया है, एक बड़ी सी। अब उसके ऊपर घी डाल दूँगी और अच्छी तरह से चारों तरफ घी को फैला दूँगी। अब मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और थोड़ी सी जीरा पाउडर भी डाल देंगे, और थोड़ी सी नमक डाल दूँगी, और डाल के चारों तरफ फैला दूँगी। अब बीच से ऐसे काट लगा लेंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल दूँगी, और डाल के ऐसे चारों तरफ फैला दूँगी। फिर उसके बाद ऐसे ट्राइंगल शेप दे दूँगी। तो मैं आज ट्राइंगल शेप का पराठा बनाने जा रही हूँ। आप सूखा आटा लगा के रोटी को बेल लूँगी।
आप बेलने से पहले थोड़ा सा कलौंजी मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे और डाल के पराठा को बेल लेंगे। फिर उसके बाद पराठा के ऊपर घी या ऑयल लगा लेंगे और लगा के पराठा को सेक लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही टेस्टी लाहौरी पनीर और मसाला पराठा रेडी है, जिसको आप फेस्टिवल सीजन्स या वीकेंड में कभी भी बना के एंजॉय कर सकती हो और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।